मैं कृष्णपाल सिंह परमार लगभग 26-27 वर्ष से अखबार जगत की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ और ये अति महत्वपूर्ण जन ऐतिहासिक कार्ड 365 दिन हमारा चलता है, कोई अवकाश नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है जो हम लोग करते हैं। 3 बजे 4 बजे अपने काम के लिए सेंटरों पर निकल जाते हैं, अंधेरी रातों में फाटकों तक त्वरित तरीके से अपने अखबार को भिजवाते हैं और जो भी समस्याएं हमारे साथ में आती हैं, चाहे वो पाठकों से संबंधित हो, पेमेंट वाली समस्या हो, कई लोग पेमेंट लेके चले भी जाते हैं, वो समस्या हो, उन सब का हम वहन करते हैं, उनको अपने स्तर पर सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से प्रेस के साथ काम करते हुए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन प्रेसों के अत्याचार दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है और कोरोना काल जैसी आपात स्थिति में भी हमारे साथ में कोई भी सहानुभूति, कोई भी मदद, कोई भी सहयोग नहीं किया। ऊपर से दबाव बनाते हैं कि वक्त पे पेमेंट किया जाए, तारीखें निश्चित हैं, उसके उन तारीखों पर अगर कोई हमारा साथी पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके साथ जाती होती है, वाद विवाद होता है। आज अपनी दयनीय स्थिति को दर्शाते हुए हमारे जो साथी भाई हैं, हम लोग हैं, कोरोना काल में जो काम घट गया था, आधा रह गया है। पिछली साल भी कोरोना की वजह से काफ़ी कॉपियां बंद हो गई, काफ़ी अखबार बंद हो गए, पाठकों ने बंद कर दिए और दूसरी लहर में भी कॉपियां बंद हो गई, पाठकों ने बंद कर दिए, काम आधे से भी कम है। कुछ कारण कोरोना है, कुछ अखबारों के रेट बढ़ा दिए गए कंपनियों द्वारा, कहते हैं महंगाई है, कागज महंगा है, स्याही महंगी है, मैनेजमेंट महंगा है। लेकिन अगर हम लोगों के साथ में प्रेस सहानुभूति नहीं दिखाती है तो हमारा मनोबल टूटता है, हम अकेले खड़े हो जाते हैं। पाठकों के द्वारा जो अखबार बंद कर दिया जाता है, उस अखबार को प्रेस बंद नहीं करती है, हमारे घरों में रद्दियों के ढेर लग जाते हैं, कहते हैं नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए, लिस्ट चाहिए, लिस्ट दे भी देते हैं हमारे साथी, हम लोग तो वो अपने स्तर पर 8-8 दिन 10-10 दिन उसको गुमराह करते हैं। और समय पर कॉपियां ना बंद होना ही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। रेट बढ़ती है, ठीक है, लेकिन रेट की वजह से या किसी कारण की वजह से अखबार पाठक बंद करते हैं तो कंपनियों द्वारा भी तुरंत उस अखबार को कम कर देना चाहिए, कायदा नियम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है, आप घर में रखो, कैसे भी रखो, दाब दोस करते हैं,
तो उस रद्दी का भी हमको पूरा भुगतान जो पाठक हमें करते हैं उतना करना पड़ता है। साथियों, आज हमारे कई साथी कोरोना के चपेट में आकर के मौत के मुंह में चले गए, उनके लिए कोई मदद नहीं की, कंपनी कोई मदद नहीं करती है, हमारे कोई बीमा नहीं करती है, हम लोगों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और हम लोग अपने अखबार को लेकर के कोरोना काल जैसी आपात स्थिति में पाठकों के घर घर तक वितरण करते हैं। वितरण करने में जो समस्याएं आती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, अनेक समस्याएं आती हैं। 365 दिन का चुनौतीपूर्ण काम है और 365 दिन काम करने वाले व्यक्ति के सामने बहुत समस्याएं आती हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में हम लोगों का मनोबल अब टूटने लगा है। साथियों, हम अपनी दास्तान, दुख भरी दास्तान कहां कहें, हमारे लिए प्रेस ने दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी समस्या नहीं सुनी जा रही है और ऐसी आपात स्थिति में हमारा जो वर्ग है उसका कितना बड़ा शोषण हो रहा है, ये हम आज आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रेसों द्वारा जो दबाव, तानाशाही पूर्ण रवैये से जो अखबार का काम कराया जा रहा है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमारी आजीविका का साधन यही है, इस कोरोना काल परिस्थिति में अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने परिवार को बचाकर रखना, अपने परिवार के साथ में और भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना, ये एक आजीविका का साधन है, इससे पूर्ति करते हैं। लेकिन तरह तरह की योजनाएं पाठकों के लिए होती हैं और आज की स्थिति में अखबारों के अंदर इतनी बड़बड़ी बातें, सामाजिक बातें, सहयोगपूर्ण बातें जो अखबार वाले करते हैं, हकीकत में धरातल पर नहीं है, ये केवल सहानुभूति लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि ये एक छोटा सा वर्ग है कि अगर प्रेस अखबार छाप करके पाठकों तक नहीं पहुंचता है तो ये अखबार का महत्व क्या रह जाता है। हम वो कड़ी हैं जो अखबार को लेकर के पाठक तक भेजते हैं और पाठक से जो भुगतान मिलता है वो प्रेस तक भेजते हैं, उसमें हमारा जो भी कमीशन रहता है वो हमारा कमीशन होता है। अब जब खपत ही कम है तो कमीशन भी कम है, आधा काम है आधा कमीशन है, और अगर अखबार का रेट बढ़ता है तो एक तारीख के बाद में हमारी जो वसूली होती है उसमें लोगों को बताते जाते हैं भाई के अखबार का रेट बढ़ गया है, लेकिन बीच में से यानी 15 तारीख के बाद में अखबार का रेट बढ़ाना, अब अखबार के रेट बढ़े हुए बताने के लिए कस्टमर यानी पाठकों के पास में एक तारीख के बाद जाना होगा। अगर कोई पाठक रेट बढ़ने की वजह से अखबार बंद करता है तो वो पाठक 15-20 दिन अखबार पढ़ने के बाद बंद करेगा। अब 20 दिन का, 25 दिन का जो अखबार का बढ़ा हुआ रेट है वो उसका बहन हमें करना पड़ता है। कंपनी प्रेस वालों से बोल रखा है कि अपना जो रेट बढ़ाने का सिस्टम जब भी कभी होए, एक तारीख के बाद होना चाहिए,
जिससे क्या होगा कि 1 तारीख के बाद हम लोग बिलिंग के लिए, वसूली के लिए निकलते हैं। पाठकों को अंधेरे में न रखते हुए ये बात बताएंगे कि सर वो अखबार का रेट बढ़ गया है। अब पाठक की मर्जी है कि पेपर बंद करे या उसको चालू रखे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें हमारा नुकसान बच जाता है, हमारा नुकसान कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आज की जो हमारे हॉकर्स साथियों की जो दशा है, दुर्दशा है, तो ये सारी चीजें हम अपनी परेशानी, अपनी व्यथा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ शासन को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रशासन को, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग उनको, सामाजिक संगठन हैं उनको, सर्वप्रिय अपने पाठकों को, यानी हर गणमान नागरिक के पास में जो हमारी व्यथा है, जो जमीनी हकीकत है हम लोगों की, वो आज हम सब लोगों के पास में शेयर करना चाहते हैं। मन बड़ा दुखी है, मनोबल टूट रहा है, स्थितियां विपरीत हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि प्रेस कंपनी किसी की नहीं सुनती है। अगर हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ दबाव बनाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, तो इस लड़ाई के लिए प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो, हमारी मदद करे, हम लोगों का सहयोग करे, न्याय करे। ये सारी चीजें आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमें विश्वास है कि जनता इतनी, लोग इतने निर्मोही नहीं हैं, हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और कुछ ना कुछ आगे मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग करेंगे। जय हिंद साथियों।